सलामुअलैकुम फास भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ये है। नया स्टोव का है, इसकी वीडियो बनाए। कौन सा? ये 60 वोल्ट। ओह अच्छा, क्या बात है, आ गई है जी स्टॉक के अंदर दोबारा। लें जी, बहुत ही लोगों की डिमांडिंग आइटम इस वक्त स्टॉक के अंदर आ गई है, जो कि पहले हमारे पास स्टॉक में आई थी और उसका जो स्टॉक था वो बहुत ही लिमिटेड था हमारे पास, तो जिसकी वजह से जो है ये स्टॉक आते सारे ही ख़त्म हो गया। और जिन लोगों ने एक दफ़ा में प्रोडक्ट ली वो दोबारा मांग रहे थे कि जी हमने दूसरी गाड़ी के अंदर भी यही लगानी है, और बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जी 60 वॉट LED कब आएगी, जो कि बम्पर प्रोजेक्टर H11 के अंदर है। लें जी, आ गई है स्टॉक के अंदर, उसी ब्रांड में, उसी मॉडल में, उसी क्वालिटी के अंदर 60 वॉट इस वक्त हमारे पास स्टॉक में आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है दो पीस होते हैं। अगर आपको मैं बॉक्स दिखा सकूँ तो दो पीस की पैकिंग है, और इसके अंदर जो SMD है वो है वाटरप्रूफ। या जी पानी का इंतज़ाम करें, जी पानी का इंतज़ाम करें, ताकि वाटरप्रूफिंग टेस्ट भी एक साथ ही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये सिंपल सी प्रोडक्ट है, ये SMD प्रोजेक्टर है जिसके पीछे एक पंखा लगा है जो कि वाटरप्रूफ होता है। इसके ऊपर जब तक कोई कीचड़ या कोई मड वगैरह लग कर खुश्क ना हो, उससे पहले तक ये पंखा जो है मसला नहीं करता। अगर आपने कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा कीचड़ से या फिर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर से गुजारी है, तो त्यातन एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा कि पंखा जो है पीछे से चलते रहना चाहिए। वाटरप्रूफ है, पानी के साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लाइट जलने की जो सबसे बड़ी एक रीज़न होती है कि इसका पंखा अगर बंद हो गया तो ये लाइट जलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो पंखा एक ही वजह से बंद होता है, अगर तो कोई कीचड़ इसके अंदर गया हो और वो खुश्क हो जाए तो पंखा जो है वो मूव नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से जो है ये लाइट आपकी ख़राब होने का चांस होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस प्रोडक्ट की जो रिटर्न रेशियो है वो 1% भी नहीं है। और ये प्रोडक्ट मज़े की है, किसी भी गाड़ी के बम्पर में लगा सकते हैं। आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो करोला हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो होंडा हो, आपकी जितनी गाड़ियाँ 2000+ मॉडल के अंदर आई हैं, जो दो करोला के अंदर 2007 के बाद और होंडा के अंदर 2004 के बाद और सुजुकी के अंदर जो वैगनार वगैरह, आपकी आल्टो वगैरह जिनके अंदर बम्पर लाइट्स आती हैं, उन सारों की जो फिटिंग है वो H11 होती है। किसी भी गाड़ी के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो सवाल हैं वो आगे मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप प्रोजेक्टर SMD का हाथ में पकड़ के डेमो दे रहे हैं तो रोशनी जो है आपके हाथ में अच्छी आ रही है, लेकिन हम जब लाइट में लगाते हैं ख़राब हो जाती है। आज मैं उसका भी आपको डेमो दूंगा कि प्रोजेक्टर वो आपकी जो बम्पर लाइट के अंदर लगने के बाद इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइट का सिर्फ शीशा जो है वो साफ़ होना चाहिए, आपके रिफ्लेक्टर के साथ इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आए जी, इसका मैं आपको वाटरप्रूफिंग पानी के अंदर आपको मैं इसका डेमो करके दिखाने लगाऊँ। पानी के अंदर आप डाल दें किसी भी किस्म का, लाइट को ना कंट्रोलर को कोई फ़र्क हो रहा है पानी के साथ। ये जो प्रोडक्ट है, आपके लेंस जो है वो पानी के अंदर तो अंडरस्टूड है कि नहीं जाएगा, लेकिन ये एहतियातन आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ कि पानी के अंदर भी इस लेंस को कुछ नहीं हो रहा। और एक और मज़े की मैं चीज़ करके आपको अपडेट करता हूँ, अगर तो आपकी लाइट का फोकस पानी में जाने के बाद कोई थोड़ा बहुत ख़राब भी हो तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। फ़ौरन लाइट के जो अगले जो हिस्से को आपने खोलना है और इसको जो है वो साफ़ कर लेना है, लाइट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको मज़ीद इसको दिखा रहा हूँ कि इसके सर्किट के ऊपर अगर डायरेक्ट भी पानी लगेगा तो किसी किस्म का कोई भी लाइट को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका लेंस जो है मैंने उतार दिया है, डायरेक्ट सर्किट जो है वो पानी के अंदर है। अगर इसको ख़राब होना होता तो ये अभी इस वक्त ख़राब देता। लाइट आपकी पानी के साथ उस वक्त ख़राब होती है जब आप लाइट के अंदर अगर पानी चले जाए और उसको उस वक्त आप साफ़ ना करें और जंग आ जाए, जिसकी वजह से लाइट का जो SMD वो ख़राब हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी किस्म का कोई लाइट को प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई पंखा ख़राब नहीं हुआ। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा आगे आके दिखाएं तो पंखा जो है ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जब मैं पानी में भी डालूंगा तो आगे आएंगी, पानी के अंदर भी ये पंखा चलता रहेगा जिस तरीके से देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बात अपडेट किया है, अगर इसके ऊपर कोई कीचड़ वगैरह लग के अगर पंखे के ऊपर खुश्क हो गया तो फिर ये पंखा बंद होने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से LED जल सकती है। ये देखें जी, जूँ ही मैंने पानी के अंदर डाला है, सिर्फ मेरा इसका ये काम है कि मैं इसको 2 मिनट चलने दूँगा। जब ये लाइट का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसका दोबारा लेंस अपडेट कर दूंगा, दोबारा इसके लेंस लगा दूंगा और किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम लाइट को इंशाल्लाह नहीं है। इस वक्त आपको मैं बम्पर लाइट दिखा रहा हूँ, जो कि ये Altus के अंदर इंस्टॉल की है लाइट। लाइट बम्पर की हालत बहुत ही माड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर अंदर से ख़राब हुआ हुआ है और कोई भी फोकस नहीं है, लेकिन इसका जो शीशा है आगे से साफ़ है। इसके अंदर जो है वो हमने 60 वॉट लगाई है। दूसरी साइड की लाइट के भी मैं आपको दिखा दूँ, इस लाइट को देख सकते हैं आप, ये लाइट कुछ बेहतर हालत के अंदर है और ये लाइट जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हालत के अंदर है। अंदर से क्रोम इसका बिल्कुल फारग है। ये जो प्रोडक्ट है हमने इसके अंदर 60 वॉट लगा दिया है, और आपको मैं इसका डाउट डेमो देता हूँ और आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल भी किसी किस्म का इस लाइट को लगाने के बाद कोई इम्पैक्ट आपकी थ्रो के अंदर नहीं आएगा 60 वॉट SMD का। आए दिखाऊँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपको मैं H11 60 वॉट का डेमो दे रहा हूँ। रोड विजिबिलिटी, ओए हो क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह लाइट है।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइट का मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, जब डबल लाइट आपकी बम्पर लाइट के अंदर फिट होगी तो कैसा लगेगा विजिबिलिटी। अगर हम इस साइड के ऊपर आकर देखें तो सिंगल लाइट की रोड विजिबिलिटी बहुत ही मजे की है यार, कमाल हो गया। किसी भी गाड़ी के अंदर जब आप इसको डाउन साइड पे लगाएंगे, मतलब कि गाड़ी के अगर एंगल के ऊपर लगाएंगे तो आप रोड विजिबिलिटी देखें, क्या बात है, जबरदस्त लाइट है, जबरदस्त हुआ यार। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमारी लाइट के अंदर जब ये लगेगा तो क्या होगा। मैं आपको बार बार यही अपडेट कर रहा हूँ, इस लाइट का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक आपके बम्पर लाइट से, रिफ्लेक्टर से नहीं है, जस्ट फ्रंट का शीशा साफ होना चाहिए। ले जी मैं किसी एक रैंडम लाइट के अंदर जो कि क्रोला की लाइट है उसके अंदर ये लाइट फिट करने लगा हूँ, और लाइट फिट करने के बाद आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ। ये जी मैं आपको लाइव डेमो फिट कर रहा हूँ, और आप ये देखें किसी किस्म का कोई इफेक्ट लाइट के ऊपर नहीं आया, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टर जो है वो अपना लाइट फोकस बना रही है जो कि प्रोजेक्टर के अंदर है, ला के लाइट का ताल्लुक कोई नहीं है। जस्ट आपका फ्रंट का जो है वो शीशा साफ होना चाहिए जिस लाइट के अंदर भी आप ये लगाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वक्त आपको मैं प्रोजेक्टर लाइट जो कि आपकी बम्पर लाइट है, ये प्रोजेक्टर लेंस उसके अंदर आपको मैं फिट करके दिखा रहा हूँ। लाइट को किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आपका फ्रंट का जो है वो शीशा साफ होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये अपडेट कर रहा हूँ, अगर आपकी लाइट का फ्रंट का शीशा साफ है, रिफ्लेक्टर खराब है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट विजिबिलिटी देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोला एल्टस के अंदर मैं आपको इसका डेमो दूंगा जिसके रिफ्लेक्टर बिल्कुल खराब है, इसका मैं आपको रिफ्लेक्टर का वैसे डेमो भी दिखा दूंगा और लाइट आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि किस किस्म की लाइट जो है जमीन के ऊपर फोकस करती है। आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ 60 वाट का, और रोड विजिबिलिटी आप देख सकते हैं खुद ही कैसी जबरदस्त रोड विजिबिलिटी है इसकी। और ये लाइट अगर मैं बंद करूँ तो ये लाइट बंद है, ये बम्पर लाइट्स खाली ऑन हो गई, और अगर हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो ये लाइट हेडलाइट्स की है। बम्पर लाइट्स के थ्रू आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं है, लाइट के थ्रू बहुत ही मजे की है, और रोड विजिबिलिटी आप देख रहे हैं गाड़ी की, किसी भी गाड़ी के बम्पर में आप ये लगा सकते हैं और आप इसका विजन चेक कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, 60 वॉट जो है अपग्रेडेड वर्जन और जबरदस्त प्रोडक्ट है। जैसा बाहर भी निकाल कर आपको दिखा दिया, और अगर आपके बम्पर लाइट में फिट हुई है तो लाइट का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जो अपना होता है किसी भी गाड़ी के बम्पर के अंदर, जिसकी जो लाइट है वो H11 है, आप उसके अंदर फिट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट यूनिवर्सल है और ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले भी स्टॉक में आई थी और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से हम यूट्यूब के ऊपर उसका डेमो नहीं लगा सके थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत डिमांड हमें आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इस बार स्टॉक अवेलेबिलिटी हमने ज़्यादा की है और ये प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। जल्द से जल्द ऑर्डर कर लें, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ, व्हाट्सएप पर जाएँ, हमारे आउटलेट के ऊपर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।